अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज है भाई संडे का दिन और अच्छी खासी धूप निकल चुकी है अभी बाहर। हो ये समझ नहीं आता, बंदा अबर के मौसम में जाता है और एकदम से धूप हो जाती है, तो अभी बस चल रहा है। वैसे भी गर्मी अब जाने वाली है, जुलाई का एंड ही चल रहा है भाई, और अगस्त में तो आपको पता है कि सर्दी और बारिश वगैरह बड़ा नॉर्मल हो जाएगी। मतलब अब वहाँ पे मतलब मॉडरेट मौसम आ जाएगा, गर्मियां भी नहीं होंगी, सर्दियां भी नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, खजा का मौसम आ जाएगा। तो खैर अभी बस काम पे जा रहा हूँ मैं, आज संडे है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट निकल रहा हूँ। काम पे पहुंचते फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में, मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कितने खूबसूरत गुलाब जो है वो घर के फ्लैट्स के बाहर मतलब खिले हुए हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं, बस ये खिल गए हैं। ये इतना खूबसूरत लग रहे हैं ना यार, ये देखें, रेड भी है और वाइट भी है। ये गुलाब ही है, नहीं पता, ये तो नहीं पता, बस ये तो पूरा गुलाब ही है रेड वाला, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, जबरदस्त। हेलो जी, तो हम आ गए घर पे और ये इंसान छुट्टी पे है आज, इसको घर पे बैठे बैठे हरी हरी सूझ रही थी क्योंकि इसने छुट्टी की थी, तो इसने नेपाल पैलेस से खाना भी ऑर्डर कर दिया। नहीं, नेपाल पैलेस से नहीं किया, काठमांडू पैलेस से ऑफर किया, ऑर्डर किया इसने, और मुझे ही बोला कि लेते जाना, मेरी डिलीवरी है 5 यूरो भी था साथ में, या पिकअप था ना, तो मैं डिलीवर तो मैंने किया, तो ऐसे ही भी रहा है। तो हरी हरी मुझे नहीं सूझी, ये बाची को सूझी, इनको हरी हरी सूझती रहती है। आप लोगों को हरी हरी का पता होगा, मतलब आज पहली बार जिंदगी में भाई मेरे साथ एक बंदे ने सेल्फी खिंचवाई है, मुझे बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। इंडिया से भाई थे, मुझे मिले, उन्होंने बोला यार ये एयर फ्रायर कहां से आया घर पे, क्या पता तुम खरीद के लाए हो? नहीं। और तुम्हारी अम्मी कॉल पर है? आंटी, ये फजूल में पैसे, मैं आप लोगों से जरा 2 मिनट में बात करता हूँ, पहले मैं इसकी अम्मी से बात कर लू जरा। भाई हमने ये बनाया, मंगाया आज पनीर पकौड़ा, पहली बार जिंदगी में मैंने पनीर खाई है, पता है तुम्हें? इसको बीच में से खोलो जरा, पहली बार पनीर खाया? हाँ ना, मैंने कभी जिंदगी में पनीर नहीं खाया। अच्छा, मजेदार नहीं है? रहने दो, ओए होए होए, मजेदार हो रहा है यार, मुझे तो बहुत मजेदार लगा, बहुत मजेदार, ऊपर स्पेशली चटनी में डाल के तो बहुत मजेगा। आज हमारे खाने में जो है वो हमने बताया, हमने बाहर से खाना मंगाया है, तो दाल गोश्त हमारा कल का था, उसके साथ हमने बनाए चावल, तो दिस इज दाल चावल, और व्हाट इज दिस तला, चिकन टिक्का मसाला, दिस इज चिकन टिक्का मसाला फ्रॉम काठमांडू पैलेस, और ये है रायता और पकौड़े वगैरह। अभी हम खाना खा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई? गुड मॉर्निंग। अच्छा, देर हो रही है, जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देते हैं, काम पे जाना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मोहम्मद असलम ने कहा, कदीर भाई इन्फॉर्मेशन का शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जाहिद, वेरी नाइस, थैंक यू। व्हाट अबाउट पायोडीन? पायोडीन भी ला सकते हैं यार, मैं रिकमेंड करूंगा कि लिक्विड टाइप की जो चीजें हैं वो ना लेके आए तो ज्यादा बेहतर है, कोशिश करें कि लिक्विड में कुछ ना लेके आए, ये चीजें यहाँ भी मिल जाएंगी। How much time does it take for the offer letter to come to company? है? And what is the process after receiving the offer letter? भाई offer letter का कोई नहीं बता सकता, वो तो company आपको बताएगी, ये company कब आपको offer letter देती है job वगैरह के हिसाब से, आपकी profile देख के कब company को आप समझ आते हैं नहीं आते, तो ये तो सिर्फ company और आप कुछ के बीच की बात है, इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, ये कि offer letter आने के बाद फिर आप ये करेंगे कि आप फिर अपनी application भरेंगे, उस ऑफर लेटर की बेसिस के ऊपर एंटर फिनलैंड के अंदर अपनी आईडी, मतलब अपनी मिगरी के ऊपर अपनी आईडी बनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे वर्क वीजा की, उसमें वो जो अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा दें, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पे वो सारी लगा दें, साथ में वो एक्स ऑफर लेटर जो आपको कंपनी ने भेजा वो लगा दें, और अपनी फीस पे करके अपना एप्लीकेशन सबमिट करा के अपना जो है वो एप्लीकेशन सबमिट ना कराएं, बल्कि एप्लीकेशन जब सबमिट कराइएगा जब आप दुबई जा रहे हो, अपने जब आप VFS का अपॉइंटमेंट ले लें उसके बाद। अच्छा, और बैंक स्टेटमेंट इज इन PKR, हाउ विल आई कन्वर्ट इट इनटू यूरो एंड डिपॉजिट इन फिनिश बैंक व्हाइल आई एम इन फिनलैंड, क्या प्रोसीजर है इसका, और मैं बैंक स्टेटमेंट से कैश अमाउंट लेकर
आ सकता हूँ लाइक 1000 यूरो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बैंक स्टेटमेंट से आप जितने भी दिल चाहे आप ला सकते हैं, अप टू 5000 यूरो तक कैश इन हैंड आप फिनलैंड में ला सकते हैं। तो आप 5000 तक निकाल के अपने पास रख ले, बाकी उसमें पड़े रहने दें। उसका फिर ये है कि आप वाइस के थ्रू ट्रांसफर कर लें अपने यहाँ पे आके, वाइस बना के मतलब अपना वाइस में डाल के फिर वाइस से अपने उसमें डाल दें। ये 2-4 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत सारे या इंडियन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे पैसे भेजते हैं, ठीक है, तो आप उनसे मिल के बोल दें यार कि आप जो भी पैसे भेज दें आप वो मुझे यहाँ पे कैश में दे दें, मैं पाकिस्तान में आपको यहाँ मैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दूंगा या इंडिया में बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरह के लोग बहुत सारे लोग होते हैं भाई, खुद लोग जो है वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, सब कुछ हर कोई भेजता है। तो आप उनसे बात करें, बोले यार आपने कोई पैसे भेजने, ऑब्वियस नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है। तो लोगों ने पूरी पूरी बैंक स्टेटमेंट अपनी ऐसी खाली भी कर दी है कि भाई आपको कितने भेजने, आपने कितने भेजने, आपने कितने भेजने, उनसे अकाउंट नंबर लेके वो उनको भेज देते और यहां से उनसे वो यूरो ले लेते। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इफ 20 लाख, अगर 20 लाख का लोन लेकर आया जाए तो क्या वो रीपे कर सकेंगे? इफ यस तो कितना टाइम लगेगा रीपे करने में? इन केस हम एक एप्लीकेंट, एक वाइफ डिपेंडेंट और एक 4-5 साल का बच्चा। 20 लाख का लोन लेके आया जाए तो कब तक रीपे कर सकेंगे? यार ये तो कोई भी नहीं बता सकता मेरे बॉस। हाँ, हो सकता है आपको आके यहाँ पे अच्छी जॉब लग जाए और आप आके रीपे कर दें, ठीक है, एक साल में कर दें, सॉरी, हो सकता है आप एक साल में कर दें, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए। तो आप अपने माइंड में ये तो रखें, जैसे मैं पहले से हमेशा से बोल रहा हूँ कि जॉब्स की मार्केट अभी बहुत खराब है, तो आप अपने साथ तो पहले तो खर्चा ही लेके आए एक साल का ताकि आपके एक्सपेंसेस तो चल सके, उसके बाद ये लोन वगैरह। और जिससे भी लोन लेके आ रहे हैं उसको कहें कि भाई मुझे तो इतना टाइम लगेगा, आप एटलीस्ट 2 साल का तो अर्सा लेके आए उससे, यार मैं 2 साल में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। और कर तो लेंगे, देखें कर तो लेंगे, एक काम ही लगने की देर होती है। 20 लाख कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं होती है, आप आराम से कर सकते हो यहाँ के हिसाब से यूरोस के अंदर, बट ये कि काम लगने की देर होती है। आपका काम लग जाएगा तो आप पे कर सकते हैं। 2 साल का तो एटलीस्ट वक्फा, मतलब 2 साल का तो आप उनसे टाइम जो है वो मांगे कम से कम, तो वो इंशाल्लाह वो आपका ये चीज 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? नहीं भाई, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अभी जा रहे हैं काम पे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आप लोगों से थोड़ी देर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।